हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज प्रमोशन। आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 16 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डाइमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। यहां पर वॉल्यूम्स दिए गए हैं क्यूबॉइड्स के, तो आपको क्यूबॉइड की तीनों डाइमेंशंस लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो उस क्यूबॉइड की तीन डाइमेंशंस जो हो सकती हैं पॉसिबल वो आपको यहाँ पर बतानी है। That means यहाँ पर जो आपको ये वॉल्यूम दिया गया है, इस वॉल्यूम के अगर आप फैक्टर्स देखें, अगर आप तीन फैक्टर्स यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, तो उन तीन फैक्टर्स में से एक को लेंथ, दूसरे को ब्रेथ और तीसरे को हाइट यहाँ पर कहा जा सकता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर वॉल्यूम के ये जो पॉलीनोमियल्स दिए गए हैं इनको फैक्टराइज करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सिंपल फैक्टराइज करें तो 3 यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में है, तो यहाँ पर ये कॉमन लिया जा सकता है। एंड नाउ यहाँ पर x भी दोनों टर्म्स में है, तो x भी यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या बचता है, सिर्फ x। 3x स्क्वायर में से 3x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x, 12x में से 3x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचता है 4। एंड नाउ हर आप देख रहे हैं कि इससे आगे इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको तीन फैक्टर्स मिल गए हैं। हियर 3 इज फर्स्ट फैक्टर एंड x इज सेकंड फैक्टर, x माइनस 4 इज थर्ड फैक्टर। द पॉसिबल डाइमेंशंस आर, द पॉसिबल डाइमेंशंस आर 3x एंड x माइनस 4। आंसर, दिस इज योर आंसर। तो यहां पर आपको पॉसिबल डाइमेंशंस ही बतानी थी, तो इस तरह से हमने इस पॉलीनोमियल को एक्चुअली फैक्टराइज करने का कोई अलग तरीका नहीं अपनाया, सिर्फ कॉमन वैल्यूज निकाली और तीन फैक्टर यहाँ पर हो गए। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पे इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर कुछ कॉमन आ सकता है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4, 12 के पास भी एक फैक्टर 4 है, 8 के पास भी एक फैक्टर 4 है एंड 20 के पास भी एक फैक्टर 4 है। यहाँ पर आप 4 कॉमन ले सकते हैं, k यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो k भी यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है। तो अंदर क्या बचता है, जब आप 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3, k बाहर आ चुका है, y स्क्वायर यहीं पर बचेगा। नाउ यहाँ पर 8 में से 4 आपने बाहर ले चुके हैं तो यहाँ पर बचेगा 2 एंड यहाँ पर y भी बचेगा। 4k आपने कॉमन लिया तो 20k में से यहाँ पर सिर्फ 5 अंदर बचता है। एंड नाउ इस पॉलीनोमियल को आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 4k लिखा है, ये पूरी की पूरी एक कांस्टेंट टर्म है, k कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये पूरा एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये सिर्फ एक ही फैक्टर में काउंट होगा, ये आपका एक फैक्टर हुआ। तो दो फैक्टर आपको यहाँ से मिलेंगे, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 3, 5, 15, अब आपको 15 के ऐसे फैक्टर करनी है जिनको एड या सब्ट्रैक्ट करने से 2y, तो हम देख लेते हैं 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3, 5 एंड 1। तो इन तीनों को हमें अरेंज करना है। अगर हम 3 एंड 1 को एक साथ लें, दैट मींस 3 एंड 5 को अलग लें, तो 5 माइनस 3 हो जाता है 2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4k एंड 3y स्क्वायर, और 2 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3y माइनस 5। तो इस तरह से हमने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखा है। एंड नाउ 4k 3y स्क्वायर, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। एंड नाउ इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इन दोनों टर्म्स में कॉमन है सिर्फ 1, तो ब्रैकेट में बचता है 3y प्लस 5 एंड इन दोनों में कॉमन है सिर्फ 1। तो यहाँ पर अगर हम माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने के कारण ब्रैकेट के अंदर सभी कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, इससे हमारे ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो सेम बन जाती है। ये दोनों हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4k 3y प्लस 5 अलग एंड y माइनस 1 एक अलग ब्रैकेट बन जाता है। तो ये आपको, आप इसको लेंथ कह सकते हो, इसको आप ब्रेथ कह सकते हो एंड इसको आप हाइट ऑफ क्यूबॉइड कह सकते हो, यही आपके पॉसिबल डाइमेंशंस कहलाएंगे। ओके, तो पॉसिबल डाइमेंशंस आर, जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे
possible dimensions are 4a, 3y plus 5 and y minus 1. This is your